गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज गाइस व्लॉग नहीं बनाया है कि इतना व्लॉग देखे आप लोगों की, व्लॉग देखते देखते बोर हो गया होगा। तो आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूनिक जो पद्मश्री अवार्ड से पूजा गया था सोनाम छिरिंग लेप्चा को, जो लेप्चा का एक ग्रेट म्यूजिशियन कंपोजर और लिरिसिस्ट था। सो उसके बारे में छोटा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, जितना एक दिन में मैंने गैदर कर सका उतना ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो पर। सो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग भी जानिए कौन था सोनाम छिरिंग लेप्चा जो कि पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। सो और उसके बाद में छोटा सा लेट सोनाम छिरिंग के लिए हमारे पापा ने भी छोटा एक पोएम लिखा है। सो वो नेपाली में होगा। सो आप लोग वॉच कीजिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइस लेट सोनाम छिरिंग लेप्चा के बारे में बात किया जाए तो वो एक इंडियन म्यूजिशियन कंपोजर एंड लिरिसिस्ट था और उसका बॉर्न हुआ था 3 जनवरी 1928 को, जो कि कालिम्पोंग के बोम क्योंग जो कि छोटा सा विलेज में हुआ था। और उसका डेथ 30 जुलाई 2020 को एज ऑफ 92 में उसका डेथ हुआ था। सो फादर्स की बात करें तो निमचो छिरिंग लेप्चा एंड मदर्स की बात करें तो निमो लेप्चा जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। ये बहुत बड़ा लॉस था कि जो सोनाम छिरिंग लेप्चा डेथ हुआ था, जो लेप्चास पीपल के लिए एक बहुत बड़ा लॉस माना जाता है अभी भी। लेप्चा की कल्चर में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा जो अभी तक सीमित है। और लेट सोनाम छिरिंग के लिखे हुए गाने जो 400 फ्लोक सॉन्ग्स और 102 फ्लोक डांस और 10 ड्रामा था। सोनाम छिरिंग लेप्चा की योगदान की, लेप्चा कॉलेजेस में योगदान की बात किया जाए तो उसने लेप्चा नेशनल एंथम भी लिखा था जो कहते हैं रोंग डुंगित वोम। और उसने संगीत नाट्य एकेडमी पर पुरस्कार भी किया था, इन 1995 में पुरस्कृत हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ पद्मश्री अवार्ड जो कि 2007 में पुरस्कृत किया था, जो कि लोक संगीत में योगदान के लिए भारत सरकार ने 2007 में उसको पद्मश्री पुरस्कृत किया था प्रेसिडेंट ऑफ अब्दुल कलाम के हाथ से। और 1960 में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर लेप्चा गाना प्रसारण किया था सोनाम छिरिंग लेप्चा ने, जो कि आप लोग देख सकते हो। और टैगोर रत्न अवार्ड भी 2012 में उसने उसको पुरस्कृत किया था। ये सारे कंट्रीब्यूशन और योगदान थे हमारे लेट सोनाम छिरिंग लेप्चा के, जो लेप्चा कल्चर और लेप्चा लैंग्वेज में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्हें गांव घर में जाके उन लोगों को सिखाया, जो कि दार्जिलिंग कालिम्पोंग के गांव घर में जाके उन्हें घर घर में लेप्चा कल्चर और लेप्चा लैंग्वेज के बारे में सिखाया और लेप्चा म्यूजिक और लेप्चा कल्चर को बहुत बड़ा नाम दिया। शायद ही ऐसा आदमी अब पैदा होगा लेप्चा कल्चर और म्यूजिक को आगे ले जाने वाला। सो
यही प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, और आज हम उसका जन्मदिन में ये छोटा सा आप लोगों को कॉन्स्ट्रीब्यूशन मतलब एक एक्सप्लेनेशन कौन था सनम सिंह लेप्चा। सो एक पद्मश्री पुरस्कार किया हुआ एक इंसान है, क्योंकि ये पद्मश्री मिलना ऐसे छोटी मोटी बात नहीं होता, क्योंकि ये एक बड़ा योगदान है। होप करता हूँ आप लोगों को ये छोटा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना जितना हो सके उतना। नमस्ते दर्शक वृन्द, फेरि आफ्नो कविता घुसी लिएर आइपुगेछु। आज पनि मेरो गुरुजी सोनाम छिरिङ तामसाङ लेप्चाप्रति मैले कविता लेखेको छु, यसै कारण शीर्षक पनि यही राखेको छु है, गुरुजी सोनाम छिरिङ तामसाङ।